मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी का नाश्ता। कभी कभी हमारी रोटियां बच जाती है, कभी कभी ज़्यादा बन जाती है तो नेक्स्ट डे रह जाती है। इसे आप फ्रीज में स्टोर करके रख दे तो ये अच्छे से रहती है, फ्रेश रहती है। तो यहाँ पे मैंने इन बची हुई रोटी का बड़ा बड़ा सा टुकड़ा करके मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से चूरा बनाना है इसका, ये देखिए इस तरह से। इसे ज़्यादा फाइन पाउडर जैसा नहीं करना है, बस ऐसे चूरा रहने देना है। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है और एक हरी मिर्ची। यहाँ मैं विदाउट ओनियन और गार्लिक के बता रही हूँ आपको ये रेसिपी। अब एक कढ़ाई को गैस पे गरम करने के लिए रखना है, फिर उसमें तेल डालना है। तेल जैसे ही गरम हो उसमें सरसों डालना है, फिर डालेंगे जीरा, सरसों और जीरा अच्छे से फूटे इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देनी है। इस हरी मिर्च को मैंने बीच में एक चीरा भी लगाया है जिससे मिर्ची का स्वाद तेल में उतर जाएगा। अब ये जो एक टमाटर काटा है वो डाल देना है, इसे अच्छे से पकाना है। ये पक जाए इसके बाद इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी डाल देनी है, फिर जाएगा हींग। हींग एकदम थोड़ा सा चुटकी भर लेना है। अब इसे अच्छे से हिला लेना है। अब जो चूरा बनाया था रोटी का वो डाल देना है और फिर ऐसे अच्छे से हिला लेना है। ध्यान रहे कि सारा तड़का इस चूरे को लगना चाहिए, तो इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अगर कम खाते हैं तो कम डालिए। अब इसे अच्छे से हिला लेना है। यहाँ पर ना चीनी थोड़ी कैरामलाइज होगी और इसकी मिठास सब चूरे में मिक्स हो जाएगी। फिर इसके बाद जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, तो यहाँ पर मैं एकदम छोटा चम्मच ले रही हूँ। फिर ये है आमचूर पाउडर, ये भी थोड़ा सा ही डालना है, इससे थोड़ा सा खट्टा बनाएगा। वैसे हमने टमाटर डाला है लेकिन अमचूर पाउडर से थोड़ा और एक अलग सा खट्टा बनाएगा। बस इसे अच्छे से हिलाना है, थोड़ा सा गरम कर लेना है, थोड़ा स्लाइट क्रिस्पी हो जाए इसके बाद इसे खाने के लिए लेना है। चलिए तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेडिसिन बॉटल क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन बॉटल इकट्ठा किए हैं क्योंकि मुझे इसमें से एक बनाना है स्पाइस का बॉटल्स। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी क्योंकि मैं इसमें कलर करने जा रही हूँ, तो कलर साइड्स में ना लग जाए इसीलिए इसे मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी। तो ये सारी बॉटल को कर लूँगी, आप देखते रहिए। चलिए तो अभी मैंने सारे बॉटल्स को कवर कर लिया मास्किंग टेप से और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स, तो इसे अलग अलग कलर्स से पेंट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ बॉटल्स पे मेटालिक पेंट यूज़ किया है, मेटालिक एक्रेलिक कलर का जो आता है वो, और कुछ में नॉर्मल कलर्स का यूज़ किया है और ढक्कन पे भी कलर कर देना है। तो इस तरह से सारी बॉटल्स को मैं अलग अलग कलर्स से कलर कर दूँगी। चलिए तो अभी इसको मैंने 2 कोट से कलर किया है और ये देखिए ये सूख गया है। अभी इस पे थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन में मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट्स करने वाली हूँ और
सिर्फ जो लाइट कलर से उसमें मैं ब्लैक कलर से डॉट्स करूँगी और बाकी सब में वाइट कलर से डॉट्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ईयरबड का इस्तेमाल किया है और इसी से मैं वाइट कलर से डॉट्स बना दूँगी। तो इस तरह से रैंडमली हर बॉटल पे मैं डॉट्स बना लूँगी। वो देखिए येलो पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है और बाकी सब में वाइट। तो मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ इसे स्पाइस रखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।